लो दोस्तों, ये देखें जी, ये है नया शिकार, ये पकड़ी है पठी, सलारी पठी है। ये देखें दोस्तों, किसी का कोई कबूतर नहीं अब देना करना, वो अपना जाता है तो कोई रब्ता ही नहीं करता भाई जान, फजूल में हम लोगों के बांटी जा रहे हैं, दे रहे हैं। तीन मादियां कल रात रह गई है यार, किसी का एक ने भी फोन नहीं किया कि भाई ले जाओ आके यार आपकी कबूतरी पकड़ी है, भाई पैसों से दे दो, हम ले लेते हैं, पैसों के साथ भी नहीं कोई दे रहा आजकल यार, अजीब हरकते हैं। उसकी वजह क्या है, कुछ लोग फोन करते हैं तो आगे से बंदे हम जैसे सिफारिशें निकाल रहे होते हैं, भाई यार 2000 देना ना पड़ जाए, 3000 देना ना पड़ जाए, सिफारिश निकालो, तो बंदे फोन करना छोड़ गए, भाई सिफारिश आ जाती है, भाई मेरे कोई पकड़ ले कबूतर, फोन कर दिया करें, दे दिया करें, सिफारिश आ जाए तो पैसे तब भी ले लें, कम ले लें, ले लें, लेकिन कबूतर दे दिया करें। खैर ये मैंने पट्टी पकड़ी है, हम जिसका पकड़ते हैं फोन कर देते हैं, भाई ले जाओ कबूतर आपका पकड़ा है, आगे से पता क्या करते हैं, हाँ जी भाई जान कितने पैसे लेंगे आप, तो उनको हमारा एक ही जवाब होता है, भाई कबूतर अपना ले जाओ, भाई पैसा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। कबूतरों की आप फड़त वाले कबूतरों की कमाइयाँ खानी है यार, अपने घर से बच्चे बच्चे अपने पलवा के जैसे मर्जी पैसे कमाओ यार, कोई मसला नहीं है, अपनी चीज़ सेल करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। तो खैर ये मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, उसने नई छत बनाई, उसका बच्चा है, उसको आएगा उसको वापस दे देंगे यार। खैर हमने जो नई नस्ल बना रहे हैं कबूतरों की, उसकी उसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, मज़ा आएगा देख के, नई नस्ल बना रहे हैं, बड़ी VIP नस्ल। खैर दोस्तों दोबारा से रिक्वेस्ट है, अगर कोई पकड़ लिया करें तो फ़ोन कॉल कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी। तीन मादियाँ यार बड़ी टॉप क्लास की मादियाँ थी, रात रह गई हैं, किसी ने फ़ोन नहीं किया यार, बड़ा सदमा हुआ है। खैर कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, तो वीडियो देखें आप जिसमें हमने नई नस्ल तैयार की है, वो देखें आप जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद पिजन। सारे दोस्त भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, हरिये से होंगे। लो दोस्तों कल ईद का दिन था, ईद का दिन हमने वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, अपना कबूतर निकालने शुरू कर दिए हैं बाहर, अपना कल सेकेंड डे थे जो बर्ड निकाले थे, आज तीसरा दिन है, आज निकाले थे हमने जो है ना नर बर्ड निकाले थे, और माशाल्लाह हैर खैरिये से सारे कबूतर घर आ गए हैं। कल हमने मादियाँ निकाली थी और जिनमें से तीन मादियाँ अपनी शार्ट हो गई थी, मतलब ये नहीं कि है कि ऊपर से अपना चली गई थी, सामने खड़ी होकर बाहर आ गई थी, और बैड लक ये वगैरह तीनों ही मादियाँ सुबह नहीं आई, पकड़ी गई हैं या जो भी मामला दूर निकल गई हैं, अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। तीन मादियाँ अपनी बड़ी मेन मादियाँ थी, बड़ी अच्छी मादियाँ थी, तीनों नहीं बैठी यार, बड़ा अफसोस हुआ। खैर ये पार्ट ऑफ गेम है, ये आना जाना तो लगा रहता है, अगर जाए ना तो बंदा इतने रखे क्यों। तो खैर आजकल दोस्तों मैं एक ना नई ब्रीड पर काम कर रहा हूँ, मुझे काले कबूतरों का बड़ा शौक था, तो वो मैंने अपने हिसाब से कुछ मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है 17 नंबर टच तो मैंने हर कबूतरों में देना होता है, तो 17 नंबर पार्ट भी डाला बीच में, तो उसके बाद वो क्या चीज़ें बन रही हैं और किस तरीके से आगे से उनको काले ही मेंटेन करना चाहिए और किस तरीके से करना है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपने दोस्तों मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह देखें ना आपको मज़ा आएगा, आपको शौक भी कराऊँगा सबका, और कोशिश करता हूँ पकड़ के भी आपको एक दो पीसों का शौक रहूँ, ताकि आपको शौक का तो मज़ा आए ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है अपने वीडियो को, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कुछ दवाइयों के मतलब भी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सरगिन और टीके दोस्तों बड़े लोग मांग रहे थे, वो आए हुए हैं, जिस दोस्त भाई को चाहिए वो भी रब्ता कर सकता है। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह ताला आज की जो ब्रीड है ना, आपको देखे चस लाजमी आएगी, फिर तो कहेंगे आप वाकई रुलते गए हैं, सचना चस बड़ी आई है, तो चस आने वाली चीज़ है जी। वीडियो मुकम्मल देखें आप लोग दोस्तों। माशाल्लाह जी ये है वो ब्रीड जो अब मैं नई तैयार कर रहा हूँ, और इसके अंदर क्या क्या डाला है वो आपको अब इस वीडियो में हम बताते हैं जी। माशाल्लाह आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ब्रीड आपको कैसी लगी है, ठीक हो गया, इस पर अब मैं वर्क कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब एक पर इन सब के अंदर मैंने 17 नंबर डाल दिया, 17 नंबर पर डाल के तो गुजार दी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इनको वापस फिर चीनों में डाल देना, हिनों वाले, हिनों पर प्लस 17 नंबर। ये देखें जी माशाल्लाह, ये सारियाँ पठियाँ पठे चेक करें कि जो बच्चे गोल किए हैं, ये देखें माशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आने वाले दिनों में आपके पास मेरे पास काले 17 नंबर बन जाएंगे जी। अब इनको काले बरकरार रखने के लिए एक पार बीच में 17 नंबर डाला है, और बाकी वापस जो है ना इनको हिनों वाले में डालना है। अब ये देखें, ये बच्चा जो है ना, इसकी जो है ना माँ 17 नंबर है, बाप इसका जो है हिनों वाला है, ठीक हो गया। अब उसके साथ ये दोनों बहन भाई हैं, अब वो अगली जो पट्टी, ये जो पट्टा है ना दोस्तों, ये वाला जो पट्टा है हिनों वाला, अब इसके साथ मैंने लगानी है ये पट्टी, ठीक है, और इस पट्टी का जो बाप है 17 नंबर है, तो जो माँ है वो हिनों वाली है,
एक पार दोनों के अंदर हिनो वाला आ गया, एक पार दोनों के अंदर 17 नंबर आ गया। अब जब ये वाला पट्टा उस पट्टी के साथ लगेगा ना, तो ये पक्के बच्चे निकलेंगे जो है ना चीने, और हिनो वाले बच्चे निकलेंगे और आंखें डोरेदार बनेंगी, ठीक हो गया। और माशाल्लाह मजबूतियाँ वापसियाँ बहुत परफेक्ट हो जाएंगी। दूसरी पट्टी ये है, ये देखें माशाल्लाह, ये हिनो वाली दूसरी पट्टी है, उसकी बहन ही है, और इसको भी हमने लगाना है वापस चीनों में, हिनो वालों में। तो माशाल्लाह आउट क्लास जो है ना, आउट क्लास चीज़ें बनेंगी ये इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आपको मेरे पास बहुत तादाद में देखने को मिलेंगे। ये देखें ना माशाल्लाह, ये सारे, ये इस पर अब मैं वर्क कर रहा हूँ। ये दो रंग लगे हैं ना, ये भी माशाल्लाह इनमें डालेंगे, इनका रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छा आ रहा है। ये काली मादी मेरे पास बहुत अच्छी उड़ रही है, ये देखें जी माशाल्लाह, ये पट्टियाँ पट्टी देखें दोस्तों। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए, अगर जो भी मामला था अपने बताइएगा किस तरह इनको मेंटेन किया जाए। बहरहाल ये देख लें जी इंशाल्लाह ताला, ये काले अब आपको मेरे पास इंशाल्लाह ताला कुछ अर्सा लगेगा, ये कालों की तादाद आपको मेरे पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखें, ये तो अपने उड़ने वाले हैं माशाल्लाह, ये अपने उड़ने वाले हैं। ये देखें आपको ना, ये पकड़ के भी ना एक दो पीसों का शौक करता हूँ, है अकेला ही हूँ मैं, लेकिन ट्राई मारता हूँ आपको ना जो पट्टियाँ ना, पहले वो दिखाता हूँ आपको। लो जी दोस्तों माशाल्लाह जी, ये देखें जी ये एक पट्टी है, कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं जी, तो ये देख लें आपके सामने है माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें, टिक जा जरा यार एक मिनट। लो दोस्तों ये इसके पार हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये परों का शौक करें, ये इसके पार हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल एक पत्ते की दूम है माशाल्लाह। ये किसी दिन तफसील से आप ना शौक करवाऊंगा मैं आपको, जब मेरे पास कोई बंदा होगा। ये देखें जी इस तरह की आंखें हैं इनकी, ये देखें, ये टिक नहीं रही, स्टैंड भी मेरा ख़राब हो गया, नहीं तो मैं आपको स्टैंड पे लगा के ना मोबाइल फिर दिखाता। ये देखें आइडिया कर लें जी, इस तरह की आंखें हैं इनकी, स्टैंडिंग पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है, माथे पे बाल आ जाएगा, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये देखें आप, खैर दोस्तों ये थी वीडियो आज की, ये देख लें आपके सामने माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है, ठीक हो गया यार। अभी वीडियो मज़े की नहीं बन रही, दिखाया नहीं सही जा रहा, तो किसी दिन अपना साथ नहीं छत पे होंगे ना फिर बनाएंगे वीडियो, मज़ा आएगा देख के जी इंशाल्लाह। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल का जो पल्ला होगा उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह, जो कबूतर बाहर निकालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर मज़ा आएगा आपको देख के। कल से अपडेट मुकम्मल, और दूसरी अपडेट ये दोस्तों, ये पट्टी 3 दिन से रुल रही है, किसी की पता नहीं किसकी पट्टी है, 3 से 4 दिन होगा ये रुल रही है इधर हमारे इलाके में, पता नहीं किसकी है यार, बच्चा है भी 6 से 7 साल करेगा, 3-4 दिन से ये धक्के खा रहा है यहाँ पे, देखें ये जा रहा है, ठीक है इधर आगे सामने छत पे बैठ जाता है, लेकिन किसी की तरफ कबूतरों की तरफ उतरता ही नहीं है, देखता नहीं किसी की तरफ। ठीक है दोस्तों, फिर हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।